हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक विद अलका। आप सबका स्वागत है यहाँ पर, जहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में। तो आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे कि आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा, आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, जिसमें हम परमानेंटली डेटा को स्टोर करते हैं, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में देखेंगे, बट ये जो टॉपिक है काफ़ी लेंथी टॉपिक है, तो इस टॉपिक को मैं 2 और 3 वीडियोज़ में कवर करूँगी वन बाय वन। तो आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूँगी मैं कि फर्स्ट वीडियो में मैं क्या कवर करने वाली हूँ, सेकेंड वीडियो में क्या कवर करने वाली हूँ, एंड लास्ट वीडियो में जितने भी वीडियो लगेंगे उतने में क्या क्या कवर करने वाली हूँ, तो वो सब मैं आपसे डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इसका क्या मतलब रहता है? ये परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है, ये नॉन वोलाटाइल नेचर में होती है। तो जैसे कि मैं बेसिकली बात करूँ इस चैप्टर में मैं आपसे क्या क्या डिस्कस करूँगी, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होता क्या है, इनके नीड्स क्या क्या होते हैं, ये किस टाइप की होती है, मोस्टली ये 2 टाइप्स की होती है, तो वो टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, और फर्दर जो इनके टाइप्स है वो सब भी हम इन इस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी इसके डिफरेंट सिक्वेंशियल हो गया, डायरेक्ट हो गया, उनके जो सब पार्ट्स क्या क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और जो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या ये फॉलो करते हैं, एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं, ड्रॉबैक्स क्या क्या रहते हैं, वो सब भी हम यहाँ पर कवर करेंगे, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो दोस्तों, हमने इससे पहले प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी के बारे में, टेम्परेरी मेमोरी के बारे में स्टडी किया, तो वो कॉन्सेप्ट हमें क्या बता रहा था, एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट हमें क्या ड्रॉबैक दे रहा था, वो हमें डिस्कस करना है, जो कि हम सेकेंडरी मेमोरी से ओवरकम कर पाएंगे। तो प्राइमरी मेमोरी हमें क्या ड्रॉबैक दे रहा था, प्राइमरी मेमोरी की अगर हम ड्रॉबैक की बात करें तो उसकी कैपेसिटी काफ़ी लिमिटेड थी, यानी कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी कम थी एज कम्पेयर विद द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो और उसको, और साथ ही साथ उसकी कॉस्ट भी काफ़ी हाई हो रही थी, तो ये प्राइमरी का मेनली काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक था, और साथ ही साथ ये वोलेटाइल नेचर में था, मींस कि व्हेन द पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ योर डेटा विल बी टोटली लॉस्ट। तो उस कॉन्सेप्ट में क्या था, तो प्राइमरी मेमोरी के ये जो सारे ड्रॉबैक्स थे, यानी कि कॉस्ट को लेके, कैपेसिटी को लेके, हम उसके एडवांटेजेस को डिस्कस नहीं कर रहे, जो भी उसके ड्रॉबैक्स थे उनका, जैसे कि कॉस्ट का हो गया, वोलेटाइल का हो गया, और इसका जो लिमिटेड कैपेसिटी का हो गया, तो ये सब जो ड्रॉबैक्स थे, ये सब ड्रॉबैक्स सेकेंडरी मेमोरी फुलफिल करता है, सेकेंडरी मेमोरी के थ्रू हम इनको ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में स्टडी करना। तो जो भी ये ड्रॉबैक्स थे, यानी कि कैपेसिटी वाइज, सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, आप लोगों ने सुना आज के टाइम में जीबी टीबीज में काम चल रहा है, तो वो भी काफ़ी फैसिलिटी हमें दे पा रहे हैं। अगर कॉस्ट की बात करें तो जो हम प्राइमरी मेमोरी MBs में लेते हैं, वही हम, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको रफ आइडिया दे रही हूँ, तो वही चीज़ें हमें सेकेंडरी मेमोरी में जीबी टीबी में अवेलेबल हो जाती है उसी कॉस्ट पे। और वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल की बात करूँ तो सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल नेचर, नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है, एंड प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल नेचर की होती है, तो ये भी ड्रॉबैक इसमें कवर होता है। एक्चुअली सेकेंडरी मेमोरी का अल्टरनेट नेम है प्राइमरी, सॉरी अल्टरनेट नेम है परमानेंट मेमोरी, एंड उसके साथ साथ इसे एक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। एक्सिलरी मीन्स AUXILIARY, एक्सिलरी मेमोरी भी किसे बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज को ही बोलते हैं। तो अगर मैं इसके क्लासिफिकेशन की बात करूँ, सेकेंडरी मेमोरी, एक्चुअली सेकेंडरी स्टोरेज 2 टाइप्स की होती है, एक डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट को हम सिक्वेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिक्वेंशियल एंड डायरेक्ट की। सिक्वेंशियल का एक ही एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप, जो कि हम लोग डिस्क, जो कैसेट्स, टेप रिकॉर्डर वाली कैसेट्स नहीं आती थी, वो हम वहाँ पर देख चुके हैं हमारे टाइम पे। एक्चुअली आज के टाइम में ना बराबर हो गया है, बट स्टिल वो हम आज के टाइम में स्टिल भी थोड़ा जो चल रहा है वो प्रोसेस, तो वो किसका एग्जाम्पल है, सिक्वेंशियल मेमोरी का एग्जाम्पल है, सिक्वेंशियल एक्सेस का एग्जाम्पल है, सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस जिसे हम बोलते हैं उसका क्या एग्जाम्पल है, मैग्नेटिक टेप। और उसका अगर हम बात करें डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस की, सेकेंडरी के 2 टाइप्स है, सिक्वेंशियल में ओनली कौन आता है, मैग्नेटिक टेप आता है, डायरेक्ट में कौन आता है, रेस्ट सारे आते हैं, यानी कि मैग्नेटिक डिस्क आएगा, ऑप्टिकल डिस्क आएगा, मेमोरी स्टोरेज आएगा, फिर उसके बाद फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, सीडी रीड राइट एंड वोम आएगा, सीडी राइट आएगा ओनली, डीवीडी आएगा, फ्लैश मेमोरी आएगा, पेन ड्राइव आएगा, मेमोरी कार्ड आएगा,
जिप डिस्क आएगा, ये सब किसके पार्ट है, डायरेक्ट एक्सेस की है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर मैग्नेटिक टेप को यानी कि सिक्वेंशियली स्टोरेज डिवाइस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मैग्नेटिक टेप क्या होता है। उससे पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि सिक्वेंस और डायरेक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या आता है। चलिए पहले शुरू करते हैं सिक्वेंशियली एक्सेस। अगर हमें कुछ करना होता है तो उसका मतलब क्या रहता है। सिक्वेंशियल का मतलब यानी कि लाइन बाई लाइन, लाइन टू लाइन चलेगा, यानी कि पहले फर्स्ट चलेगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे इसी ऑर्डर में ये चलते रहते हैं। अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट की, तो डायरेक्ट यानी कि अगर मेरे को फर्स्ट से डायरेक्टली फिफ्थ पे जंप करना है तो मैं डायरेक्टली रैंडमली उस पर डायरेक्टली जा सकती हूँ। तो वही कॉन्सेप्ट नाम से ही क्लियर हो रहा है, सिक्वेंस यानी कि सिक्वेंस में चलेगा 1 2 3 4, एंड डायरेक्ट यानी कि हम डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। तो अगर बेनिफिट पर्पज से देखिए तो आज के टाइम में हम डायरेक्ट ही यूज करते हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट भी काफी है, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस आज के टाइम में काफी फास्ट एक्सेस करना होता है सब कुछ। तो सिक्वेंशियली की बात करें तो हमें काफी वेट करना पड़ेगा, जो कि बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में हम स्पीड एंड परफॉर्मेंस दोनों पे इक्वली वर्क करते हैं। तो इसके लिए अगर मैं डायरेक्ट को ही यूज करती हूँ, अगर मींस कि हमें यूज करना ही डायरेक्ट को होता है, क्योंकि हमने उसमें परफॉर्मेंस एंड फास्टेस्ट जो टेक्निक है वो काफी फास्ट काम करती है, तो इसलिए हम डायरेक्ट को ही यूज करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ सिक्वेंशियल में, तो सिक्वेंशियल में क्या है, वही कॉन्सेप्ट कि डेटा क्या है, अगर डेटा को रिट्राइव करना है तो सेम सीक्वेंस में ही हमें इसे रिट्राइव करना होगा। तो एक्सेस टाइम इसका क्या रहेगा, एक्सेस टाइम वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्टोरेज लोकेशन। अगर आपसे कोई पूछे सेकेंडरी स्टोरेज का एक्सेस टाइम क्या रहेगा, तो ये एक्चुअली वेरीज करेगा, यानी कि अगर आप सपोज कि फर्स्ट लोकेशन को फाइंड आउट करना चाहते हो तो डेफिनेटली फर्स्ट पे मिल जाएगा, अगर आप फिफ्थ पे जाना चाहते हो तो फिफ्थ तक टाइम लेगा, थर्ड पर जाना चाहते हो तो थर्ड तक टाइम लेगा। यानी कि एक्सेस टाइम कितना है, जितना स्टोरेज की लोकेशन है उसके, जितना आपके जो डेटा आपका जहाँ पे स्टोर हो रखा है उस लोकेशन तक जाने तक जो टाइम लग रहा है वही हमारा क्या होएगा, एक्सेस टाइम होएगा। तो ये मोस्टली सूटेबल किसके लिए होते हैं, नॉर्मली डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए ही सूटेबल होते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मैग्नेटिक टेप इसका एग्जांपल है। अब अगर मैं बात करूं डायरेक्ट एक्सेस की, तो डायरेक्ट एक्सेस का क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, डायरेक्ट एक्सेस हमें याद आता है कि हम लोग डायरेक्टली उस लोकेशन पे जंप कर सकते हैं और उसे डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं। तो यानी कि जो भी हम डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं वो हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैं एक्सेस टाइम की बात करूं तो इसमें एक्सेस टाइम कैसे रहेगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल एक्सेस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी स्टोरेज लोकेशन। यानी कि आपको फर्स्ट पे जाना हो, चाहे फिफ्थ पे जाना हो, चाहे 50th पे जाना हो, तो यानी कि सबके लिए एक ही लोकेशन यानी कि एक ही एक्सेस टाइम रहेगा। तो वही सबके लिए है, क्योंकि मैं डायरेक्टली जंप कर रही हूँ, मुझे ये नहीं है कि फर्स्ट से लेके 49 के बाद 50 पे जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं डायरेक्टली 50 पे डायरेक्टली जा सकती हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या है, यहाँ पर एक्सेस टाइम सबके लिए इक्वल रहेगा। और सिक्वेंशियल में क्या था, सिक्वेंशियल में वेरी करेगा, यानी कि जिस लोकेशन पे वो है उस लोकेशन के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। एंड नॉर्मली अगर मैं बात करूँ किस पर्पज़ के लिए डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं, तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए हो गया, कोई बैंकिंग सिस्टम के लिए हो गया, तो वहाँ पर हम डायरेक्ट एक्सेस को ही यूज़ करते हैं। तो इसके एग्जांपल कौन से हैं, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, आपका पेन ड्राइव हो गया, CD, DVD, ये सब किसके एग्जाम्पल है, डायरेक्ट के एग्जाम्पल है। तो आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आज के वीडियो में हम सिक्वेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा सिक्वेंशियल का एक सब पार्ट है मैग्नेटिक टेप, तो हम इसके बारे में इन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो चलिए मैग्नेटिक टेप के बारे में स्टडी करते हैं। तो मैग्नेटिक टेप एक्चुअली होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि प्लास्टिक की एक टेप होती थी जो टेप रिकॉर्डर में चलती थी, उसके ए साइड भी सॉन्ग चलाते थे, बी साइड भी, मतलब सॉन्ग का एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, ए साइड एंड बी साइड उसकी रील होती थी, पहले ए साइड पूरा कवर होती थी, फिर बी साइड चलाते थे उसमें, मतलब अप्रोक्सीमेट ए साइड 5 सॉन्ग डालते थे, बी साइड में 5 सॉन्ग अप्रोक्सीमेट इसमें होते थे, तो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी उसकी यही रहती थी एक्चुअली। तो इसमें क्या था, सिक्वेंशियली ही हम सारे डेटा को एक्सेस करते थे। सपोज कि मैं ए साइड में सॉन्ग नंबर 1 सुन रही हूँ, तो अगर मुझे फोर्थ पे जाना है तो मुझे 1 by 1 सारे सॉन्ग सुन के ही जाना पड़ता था। एक ऑप्शन था उसमें फॉरवर्ड एंड रिवाइंड का, बट स्टिल उनसे होके ही हमें जाना पड़ता था, यूँ नहीं था कि मैं फर्स्ट से डायरेक्टली फोर्थ पे जंप कर दूँ, ऐसा कोई प्रोसीजर उसके अंडर नहीं था। तो मैग्नेटिक टेप क्या है एक्चुअली, इट इज़ फिजिकली
द टेप मीडियम विद अ प्लास्टिक रिबन, यानी कि टेप के अंदर एक प्लास्टिक का रिबन होता है जो कि यूजुअली हाफ एंड 1/4 इंच वाइड होता है. कितना? हाफ या 1/4 इंच वाइड होता है और 50 से लेके 2400 फिट लंबा होता है. यानी कि जो प्लास्टिक की जो हम बोलते हैं उसकी रिबन होती थी वो क्या होती थी, हाफ एंड 1/4 इंच वाइड होती थी और 50 से लेके 2400 तक लंबा वो रिबन होता था. तो प्लास्टिक रिबन किससे कोटेड किया हुआ होता था, वो मैग्नेटाइजेबल रिकॉर्डिंग मटेरियल से कोटेड किया होता था. जैसे उसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, आयरन ऑक्साइड हो गया, क्रोमियम डाइऑक्साइड हो गया, तो उन सबसे वो कोटेड किया हुआ होता था. तो उसमें क्या था, डेटा आर रिकॉर्डेड ऑन द टेप इन द फॉर्म ऑफ टाइनी इनविजिबल मैग्नेटाइज्ड एंड नॉन मैग्नेटाइज्ड स्पॉटेड स्पॉट्स ऑन इट्स कोटेड सरफेस. तो इसमें क्या, डेटा कैसे रिकॉर्ड किया होता था, टाइनी यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे जो इनविजिबल मैग्नेटाइज और नॉन मैग्नेटाइज स्पॉट होते थे जिनमें 0 और 1 की फॉर्म में डेटा लिखा हुआ होता था, तो उसी से वो कोटेड किया हुआ होता था. तो टेप रिबन क्या है, एक्चुअली इज स्टोर्ड इन रील्स एंड स्मॉल कार्ट्रेज और कैसेट जो हम बोल सकते हैं. तो जो ये रिबन होती थी, जो प्लास्टिक की टेप होती थी, वो कहाँ स्टोर होती थी, नॉर्मली रील हो गया, नॉर्मली कार्ट्रेज हो गया कोई, या फिर कोई कैसेट हो गया. कैसेट का मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, प्लास्टिक की कैसेट होती थी, उसके अंदर वो स्टोर की हुई होती थी. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ उसकी स्टोरेज कैपेसिटी की, यानी कि मैग्नेटिक टेप की स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, तो ये क्या रहेगी, डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी कितनी है और टोटल लेंथ हमारी कितनी है टेप रिबन की, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टोरेज इसकी कैपेसिटी काउंट होती है. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी क्या होता है. तो डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ गिवन लेंथ ऑफ अ टेप. यानी कि जो हमारा अमाउंट ऑफ डेटा है वो कैसे, क्या स्टोर हो रहा है, जो हमारी टोटल लेंथ दी हुई है टेप की उस पर, तो वो डेंसिटी होती है. तो ये मोस्टली मेजर किसमें की जाती है, बाइट्स पर इंचेस में, जिसको BPI हम बोलते हैं. तो किसमें मेजर की जाती है, बाइट्स पर इंचेस में ये मेजर की जाती है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक टेप के डेटा ट्रांसफर रेट की, तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, इट रेफर्स टू कैरेक्टर्स और सेकंड हम बोल सकते हैं जिसे, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द मेमोरी फ्रॉम द टेप. यानी कि ये बोल रहा है कि हमारा जो कैरेक्टर हम जो ट्रांसमिट कर रहे हैं मेमोरी से लेके टेप तक, तो वही हमारा डेटा ट्रांसमिशन रेट होता है. कितने टाइम में, पर सेकंड में जितना हम कर रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हम क्या बताता है, डेटा ट्रांसफर रेट बता रहा है. यानी कि कैरेक्टर पर सेकंड हम कितना मेमोरी से डिस्क पे जो भी हमारा टेप है उसमें हम ट्रांसफर कर पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज डेटा ट्रांसफर रेट. तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है. तो डेटा ट्रांसफर रेट को किसमें मेजर किया जाता है, इन्हें हम बाइट्स में मेजर करते हैं, यानी कि बाइट्स पर सेकंड में मेजर करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ टेप ड्राइव की. तो जैसे कि मैग्नेटिक कोई भी अगर हमें कुछ डिवाइसेस को अगर एक्सेस करना होता है तो डेफिनेटली उनका ड्राइव भी होना चाहिए, तो विदाउट ड्राइव हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते. तो मैग्नेटिक टेप को भी एक्सेस करने के लिए टेप ड्राइव की नीड होती है. तो ये क्या होता है, एक्चुअली इट इज यूज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम अ मैग्नेटिक टेप. जो कि रिबन पे होता है डाटा लिखा हुआ होता है, तो उसका काम क्या रहता है, टेप एंड टेप ड्राइव का काम क्या रहता है, डेटा को रीड करना, राइट करना, रिबन से एंड रिबन के लिए, दोनों के लिए डेटा को रीड करना एंड राइट करने का इसका काम होता है. ये डिफरेंट होते हैं, एक्चुअली रील भी होती है, कार्ट्रेज भी होती है, कैसेट्स भी होती है, ये अलग अलग टेप के अकॉर्डिंग होते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, रीड राइट हेड्स होते हैं जो कि डेटा को रीडिंग एंड राइटिंग के लिए डेटा को रीड करते हैं, राइट करते हैं टेप के ऊपर. ठीक है, तो इसमें रीड राइट हेड की हेल्प से ही डेटा को रीड एंड राइट किया जाता है. तो यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाऊंगी कि कैसा होता है रीड एंड राइट का हेड, तो वहां से डेटा को डायरेक्टली रीड किया जाता है. अब अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक टेप, जो कि रील की बात कर रहे हैं हम, कार्ट्रेज की बात कर रहे हैं, कैसेट की बात कर रहे हैं, हैज टू बी फर्स्ट लोडेड ऑन अ टेप ड्राइव फॉर अ रीडिंग एंड राइटिंग. यानी कि अगर हम सपोज हमें रीड एंड राइट करना चाहते हैं, तो ये सब चीजें जैसे कि टेप हो गया, रील हो गया, कार्ट्रेज हो गया, कैसेट हो गया, तो इन सबको इंस्टॉल यानी कि लोड करना जरूरी है. कहाँ पर लोड करना जरूरी है, टेप ड्राइव में लोड करना जरूरी है. और जब प्रोसेसिंग इसकी कंप्लीट हो जाती है तो ड्राइव
क्या होता है, ड्राइव को जो भी टेप ड्राइव है उसे हम रिमूव कर दे, यानी कि वो ऑफलाइन रिमूव करने के बाद हमारा डाटा ऑफलाइन अवेलेबल हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक टेप में टेप कंट्रोलर की, तो टेप कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कि सब कुछ कंट्रोल करता है वो कौन होता है, टेप कंट्रोलर। यानी कि मैग्नेटिक टेप के कॉन्सेप्ट में बता रही हूँ, टेप कंट्रोलर का काम क्या है, ओवरऑल कंट्रोलिंग द मैग्नेटिक टेप, यानी कि जो सारा कंट्रोल करता है मैग्नेटिक टेप को उसे हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलर, यानी कि टेप कंट्रोलर बोलते हैं। ये अलग अलग कमांड को सपोर्ट करता है, यानी कौन कौन से कमांड को सपोर्ट करता है वो हम डिस्कस करते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक रीड कमांड होती है READ, तो उसमें वो कॉन्सेप्ट क्या बताता है, इट रीड्स वन ब्लॉक ऑफ डाटा। रीड का मतलब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, वो एक ब्लॉक ऑफ डाटा को रीड करते हैं। अगर मैं बात करूँ राइट कमांड की, तो क्या करेगा, वन ब्लॉक ऑफ डेटा टू बी राइट, यानी कि राइट को राइट करेगा वन ब्लॉक ऑफ डेटा को। अब अगर नेक्स्ट कमांड है इसमें राइट टेप हेडर लेबल, तो ये क्या करता है, यूज टू अपडेट द कंटेंट ऑफ टेप हेडर लेबल, यानी कि टेप का जो हेडर लेबल होता है उसके कंटेंट को अपडेट करने का काम कौन करता है, राइट टेप हेडर लेबल करता है। इरेज टेप का काम क्या रहता है, जो भी डेटा रिकॉर्डेड है उसे इरेज करने का काम रहता है। बैकस्पेस वन ब्लॉक का मतलब डेटा को रिवाइंड करता है, कहां तक रिवाइंड करता है, रिवाइंड द टेप टू द बिगनिंग ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, यानी कि जो हमारा प्रीवियस ब्लॉक था ओनली उस तक डेटा को रिवाइंड करने का काम करता है। फॉरवर्ड स्पेस वन ब्लॉक की अगर बात करें, तो फॉरवर्ड द टेप टू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ब्लॉक, यानी कि फॉरवर्ड करेगा बिगनिंग ऑफ जो नेक्स्ट ब्लॉक है उसके लिए। एंड फॉरवर्ड स्पेस वन फाइल की अगर हम बात करें, तो फॉरवर्ड द टेप टू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट फाइल, यानी कि फॉरवर्ड स्पेस वन फाइल की बात करें अगर हम, तो उसमें क्या करेगा, कौन सी फाइल की बिगनिंग में ले जाएगा, हमें जो नेक्स्ट फाइल है उसकी बिगनिंग में ले जाएगा। रिवाइंड का काम क्या है, फुल्ली रिवाइंड कर देगा टेप को। अपलोड का काम क्या है, रिलीजेस द टेप ड्राइव्स ग्रिप सो दैट द टेप स्पूल कैन बी अनमाउंटेड फ्रॉम द टेप ड्राइव, यानी कि अनलोड का काम इसमें, एक्चुअली अनलोड है ये टॉपिक, तो अनलोड का काम क्या रहता है इसमें, रिलीजेस द टेप ड्राइव ग्रिप, टेप ड्राइव ग्रिप को रिलीज करने का काम रहता है इसके अंदर। अब अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक टेप के टाइप्स की, तो यहाँ पर इसके चार टाइप आते हैं, वही हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है। तो चार टाइप्स कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट टाइप आता है हाफ इंच टेप रील, फर्स्ट टाइप क्या है, हाफ इंच टेप रील। सेकेंड है हाफ इंच टेप कार्ट्रिज। थर्ड है 1/4 inch स्ट्रीमर टेप। एंड द फोर्थ वन, लास्ट वन क्या है, 4mm DAT, DAT stands for डिजिटल ऑडियो टेप। तो पहले हम डिस्कस करेंगे हाफ इंच टेप रील के बारे में। तो ये हमें कॉन्सेप्ट क्या बताता है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि ये क्या यूज करता है, इट यूजेस हाफ इंच वाइड टेप रिबन, यानी कि हाफ इंच का आपको नाम से इसमें समझ में आ रहा है कि जो उसका रिबन होता है वो हाफ इंच का होता है इसमें। और ये क्या करता है, इट यूजेस पैरेलल रिप्रेजेंटेशन मेथड ऑफ स्टोरिंग द डाटा, यानी कि पैरेलली डाटा को स्टोर करने का काम करता है। इन विच डेटा आर रीड एंड रिटन अ बाइट एट अ टाइम, यानी कि डेटा को रीड एंड राइट एक साथ किया जा सकता है, जो भी उनका बाइट हम रीड करते हैं या राइट करते हैं एक साथ किया जा सकता है, क्योंकि पैरेलली हमेशा काम करते हैं। तो ये क्या करता है, यूजेस अ रीड राइट हेड असेंबली दैट हैज वन रीड राइट हेड फॉर ईच ट्रैक, यानी कि ये क्या करते हैं, ये रीड राइट असेंबली को यूज करते हैं और हर ट्रैक के लिए अलग अलग रीड राइट हेड होता है। एंड कॉमनली यूज एज अचीवल स्टोरेज फॉर ऑफलाइन स्टोरेज ऑफ डाटा, यानी कि मोस्टली हम ऑफलाइन स्टोरेज के, जो मैंने जो आपको एग्जांपल बताया सॉन्ग्स हम सुनते थे, तो उसी पर्पस से ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम आप यहां पर देख सकते हैं, ये किस टाइप का होता है, जिसकी रील है। नेक्स्ट इसमें एक जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, टेप ड्राइव एक्चुअली इसका वो कैसा होता है हाफ इंच टेप रील का, तो वो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है रीड राइट हेड असेंबली, जहां से हम डाटा को रीड करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक टेप, यानी कि ये दो मैग्नेटिक टेप है,
एंड टेकअप रील हो गया, सप्लाई रील हो गया, यानी कि रील को सप्लाई कर रहे हैं, फिर टेकअप यानी कि रील को ले रहे हैं वो। इसमें वैक्यूम कॉलम्स भी लगे हुए होते हैं एंड टेप लूप्स भी लगे हुए जिसके थ्रू हमारी टेप मूव करती, टेप की जो रील है वो मूव करती है, जो कि हम राउंड राउंड के थ्रू हम मूव करवाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। अब अगर मैं बात करूँ उसके सेकेंड पॉइंट की, तो ये क्या बताता है, हाफ इंच टेप कार्ट्रिज। तो ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है, इसमें भी क्या रहता है, रिबन हमारा हाफ इंच का ही रहता है, बट इसमें क्या रहता है, इसमें ट्रैक्स काफी ज्यादा होते हैं, यानी कि अप्रोक्सिमेट 36 ट्रैक्स इसमें अंदर होते हैं, और उसके अपोजिट 9 ट्रैक्स जो भी होते हैं इसमें फॉर मोस्ट हाफ इंच टेप रील्स के लिए होते हैं। यानी कि 36 ट्रैक तो इसमें अलग है ही, साथ ही साथ इसमें 9 ट्रैक है जो कि हाफ इंच टेप रील के लिए यूज किए जाते हैं। और ये क्या करता है, डेटा को पैरेलली स्टोर करने का काम करता है, पैरेलली रिप्रेजेंट करने का काम भी करता है। नेक्स्ट अगर इसमें बात करूं टेप ड्राइव, जो रीड राइट हेड इसका होता है, जो टॉप में रीड राइट हेड ऑन द टॉप ऑफ हाफ ऑफ द टेप, यानी कि जो हाफ इंचेस ऑफ द टेप है इन वन डायरेक्शन एंड ऑन द बॉटम हाफ ऑफ द अदर डायरेक्शन, यानी कि इसमें क्या रहता है, टेप ड्राइव का रीड राइट जो हेड है हाफ तो टॉप पे रहता है एंड हाफ बॉटम पे रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया, आप यहाँ पे डायग्राम में भी समझ सकते हैं कैसे दिया हुआ है इसमें हाफ इंच टेप कार्ट्रिज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या बता रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वार्टर इंचेस, यानी कि 1/4 स्ट्रीमर इंच स्ट्रीमर टेप, जो कि हम बात कर रहे थे इसे हम क्वार्टर इंचेस भी बोलते हैं, तो इसकी जो रिबन की जो विड्थ है वाइड क्या होती है वो 1/4 इंचेस की होती है। और ये क्या करता है, यूजर सीरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा रिकॉर्डिंग, यानी कि डाटा को सीरियली रिकॉर्ड करता है। इससे पहले वाले जो तो हमने एग्जांपल देखे वो कैसे कर रहे थे, वो पैरेलली डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बता रहा है, ये कॉन्सेप्ट हमें बता रहा है डाटा को ये सीरियली रिप्रेजेंट करता है। और इसमें अप्रोक्सीमेट ट्रैक्स कितने होते हैं, 4-30 ट्रैक्स होते हैं एक्चुअली, जो ये टेप ड्राइव पर डिपेंड करता है, बट स्टिल इसमें अप्रोक्सीमेट जो होता है 4-30 ट्रैक्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द टेप ड्राइव, जो इसका टेप ड्राइव है उसी के अकॉर्ड अगर डिपेंडिंग की बात करें, तो रीड राइट हेड एंड रीड राइट्स द डाटा 1-4 ट्रैक एट अ टाइम, यानी कि जो इसका काम क्या रहता है नॉर्मली, जो इसके रीड राइट हेड है वो डाटा को रीड करते हैं राइट करते हैं कैसे, 1-4 ट्रैक एट अ टाइम, यानी कि इस वे में ये डाटा को रीड और राइट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहता है। इसमें और क्या रहता है एक्चुअली, इट कैन रीड एंड राइट डाटा मोर इफिशियंटली देन द ट्रेडिशनल टेप ड्राइव्स बिकॉज देर इज नो स्टार्ट एंड एंड जो स्टार्ट एंड स्टॉप मैकेनिज्म, इसमें स्टार्ट एंड स्टॉप मैकेनिज्म कुछ भी नहीं होता है, तो ये डाटा को रीड एंड राइट मोर एफिशिएंट वे में करता है एज कंपेयर विद द ट्रेडिशनल वे, जो कि हम प्रीवियसली में देख रहे थे। तो ये काफी इफेक्टिव है एज कंपेयर विद द प्रीवियस वन जो हम बात कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, इट मेक मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टेप स्टोरेज एरिया, यानी कि अगर हम ये यूज करते हैं तो ये हमें एफिशिएंसी प्रॉपर प्रोवाइड करवाता है, और स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टोरेज यूटिलाइजेशन है, एफिशिएंसी की यूटिलाइजेशन है वो इसमें प्रॉपर होती है एज कंपेयर विद द प्रीवियस वन अगर हम बात करें, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, 4 mm डिजिटल ऑडियो टेप, यानी कि 4 mm DAT, तो इसमें क्या रहता है, 4 mm वाइड टाइप का इसका वाइड इसमें रिबन रहता है, और ये क्या रहता है, हाई डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी फैसिलिटी प्रोवाइड, क्योंकि काफी अच्छा है एज कम्पेयर विद द प्रीवियस वन। इसकी कैपेसिटी अप्रोक्सीमेट 4 GB से लेके 14 GB तक भी होती है, और ये क्या करता है, इट यूजेस अ टेप ड्राइव को यूज करता है। किस टाइप के टेप ड्राइव को यूज करता है ये, इट यूजेस हेलिकल स्कैन टेक्निक फॉर डेटा रिकॉर्डिंग। ये कौन सी टेक्निक यूज करता है, हेलिकल टेक्निक को यूज करता है किसके लिए, डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, जिसके अंदर 2 read heads एंड 2 write heads आर बिल्ट इन टू अ स्मॉल व्हील्स, यानी कि अब तक हम क्या कर रहे थे, रीड राइट हेड पे नॉर्मली काम कर रहे थे, तो ये हेलिकल स्कैन टेक्निक को यूज करता है, इसके अंदर दो रीड हेड होते हैं एंड 2 write head होते हैं जो कि एक ही स्मॉल व्हील के ऊपर लगे हुए होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताता है। नेक्स्ट इसमें क्या बेनिफिट एक्चुअली ये दे रहा है DAT, जो कि हम बात करें डिजिटल ऑडियो टेप की, तो DAT ड्राइव्स यूजर्स आर डेटा रिकॉर्डिंग फॉर्मेट, तो ये डेटा रिकॉर्डिंग फॉर्मेट को यूज करता है जिसे हम बोलते हैं डिजिटल डेटा स्टोरेज, जो कि 3-level error
करेक्टिंग कोड की फैसिलिटी देता है, यानी कि एरर को करेक्ट करने की फैसिलिटी कौन देता है हमें, ये DAT प्रोवाइड करवाता है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल, आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसमें दो रीड है, दो राइट हेड है एंड मूविंग टेप कैसे हो रही है, स्कैन हेलिकन स्पिनिंग कैसे हो रही है, ये प्रोसीजर इसके अंदर बताया गया है। अब अगर मैं बात करूं, आई होप कि आपको चारों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब मैं फिर से कॉन्सेप्ट पे आती हूँ, मैग्नेटिक टेप के अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं, मैग्नेटिक टेप के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, तो वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो स्टोरेज कैपेसिटी इसकी काफ़ी अच्छी होती है, कॉस्ट भी इसकी काफ़ी कम है, इसको हम इरेज एंड रीयूज भी कर सकते हैं बार बार, काफ़ी साइज में छोटी होती है, लाइट वेट भी होती है, हैंडल करना भी काफ़ी ईजी होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम छोटी सी चीज़ में डाल के रख सकते हैं। और अगर और तो साइज में काफ़ी छोटा है, ये लाइट वेट भी है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया। अगर इसके लिमिटेशन की बात करूँ, तो लिमिटेशन यहाँ पर क्या आता है, ड्यू टू देयर सिक्वेंशियल एक्सेस नेचर, सबसे बड़ा लिमिटेशन ही इसका यही है। तो ये क्या करेगा, डेटा को सिक्वेंशियली एक्सेस करता है, रेंडमली एक्सेस नहीं करता है, तो ये इसका मेन ड्रॉबैक है। तो ये डस्ट फ्री एनवायरनमेंट नहीं है, अगर थोड़ा बहुत डस्ट इसमें लग गया तो हमारे रील डैमेज हो सकती है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है, हमारे डेटा हमारा खराब हो सकता है। और इसको स्टोर करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट की नीड होती है, ह्यूमिडिटी थोड़ी सी बढ़ी तो रील को करप्ट कर सकते हैं वो, तो वो भी ठीक नहीं है यहाँ पर। तो इसका रिबन काफ़ी बड़ा होता है, तो अगर वो एक बार ट्विस्ट हो गया तो उसे रिकरेक्ट, यानी कि उसको सही करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको फिर से रैप करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम कर भी लेते हैं फिर भी हमारा स्टिल कोई ना कोई डेटा लॉस इसमें हो ही जाता है, ठीक है। तो ये इसके मेन ड्रॉबैक है। आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा मैग्नेटिक टेप के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक डिस्क के बारे में, फिर ऑप्टिकल डिस्क के बारे में, एंड द लास्ट वन इज मेमोरी के बारे में, कि क्या होता है मेमोरी स्टोरेज की जो टेक्निक है, पेन ड्राइव एंड फ्लैश मेमोरी जो हम बोलते हैं, वो सब क्या होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।